कानपुर थाना चमनोगंज जंतर पर रूपम चौराने के पास बिल्डिंग में लगी भीषण आग। कानपुर चमनोगंज के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने फंसे हुए 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बिल्डिंग में अवैध रूप से चलते हुए कारखाने स्थानीय निवासी कई बार शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई। स्थानीय निवासी आग लगने का कारण अभी तक नहीं हुआ स्पष्ट। चमनगंज पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट। कहाँ पे आग लगी थी, किस कितनी मेहनत से रेस्क्यू किया था, कितने लोग आपने निकाला है? धुएं में रेस्क्यू हुआ है और हमने अरसद की फैमिली है, ये अनिल है और ये दो बच्चे हैं, आदित्य पाठक फायरमैन मीरपुर से और सत्येंद्र गुज्जर फायरमैन फायर स्टेशन लातूर रोड से। हम लोगों ने सीढ़ी से उतारा। कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? तो आम जनमानस देख रहे थे, इतना कड़ी मशक्कत हुआ और ये तो बच्चों की हमारा कर्तव्य है। अभी भी रेस्क्यू कैसा लगा, तीन बच्चों की जान बचाई आप लोगों ने, कितना खुशी हो रही है? इसको किया है, बहुत ही अच्छा लगा। निरंतर सेवा करेंगे और बचाओ हमारा कर्तव्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। और G+3-4 का वो बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और काफ़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोग फंसे हुए हैं। तो इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत हमारा लाठू शोट फायर स्टेशन और कर्नलगंज और मीरपुर की गाड़ियों को तत्काल मौके के लिए भेजा गया और हम भी मौके के लिए निकल गए। और फजलगंज का जो वाटर बाउजर है, मतलब जितने भी संसाधन हो सकते थे ग्रेविटी को देखते हमने साइड से मोबिलाइज़ किए। लगभग कितनी गाड़ियों को मौके पहुंची थी? घटना पे 10 से 12 गाड़ियां हमारी मौजूद थी और ऑन द वे भी थी, लेकिन जब घटना पूरी रिस्टोर हो गई, पूरा नॉर्मलाइज हो गई, तो हमने उनको होल्ड कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो टास्क था, सबसे बड़ा जो चैलेंज था, लोगों की जान बचाना, क्योंकि फायर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो फायर से उत्पन्न धुआं था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा थी। तो बेसमेंट क्योंकि सकरा है, आप देख रहे होंगे घर बहुत सकरे हैं, जीने बहुत सकरे हैं, तो जो धुआं जीने में भर गया और पूरा बेसमेंट से होते ऊपर के फ्लोर्स पे वो चला गया। तो आपने देखा होगा पूरे सब लोग चिल्ला रहे थे, फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर पे लोग फंस गए, जीने से निकल नहीं पाए। तो फिर हमने टैक्टिक्स की कि प्राथमिकता फायर फाइटिंग के साथ साथ रेस्क्यू किया जाए। तो जो शुरू में हमारी टीम आई पुलिस के सहयोग से, हमारी टीम आम जनता के सहयोग से 10-12-15 लोग तो जीने से ही निकाले शुरू में, जो इमीडिएट निकाल सकते थे, लेकिन जो पूरी तरह से ट्रैप थे, जो धुएं में बुरी तरह से फंसे हुए थे, उनको हमारी टीम ने लैडर, जैसे आपने देखा काफ़ी ऊंचाई पे लैडर लगा के, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी थीं, बुज़ुर्ग भी थे, महिलाएँ भी थीं और काफ़ी बड़ी संख्या में, मतलब लगभग हमने 16-17 लोग लैडर से निकाले और करीब 10-12-15 वैसे निकाले, तो कुल मिला के 25-30 लोग हमने ओवरऑल पूरे ऑपरेशन में लोगों की जानें बचाई। लगभग कितनी देर रेस्क्यू चला था? रेस्क्यू तो आप देखिए, पूरा जो हमारा मेन फोकस था फायर फाइटिंग के साथ साथ टॉप रेस्क्यू था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व थे, लेडीज़ थी, बुज़ुर्ग थे, तो करीब आधे पौन घंटे, एक घंटा लगभग रेस्क्यू पूरा चला। और रेस्क्यू को हम कह सकते हैं जो हमने लोग निकाले वो लगभग एक घंटा के आसपास रहा, लेकिन अभी जैसे आपने देखा हम लोग DCP साहब और हम पूरा ऊपर तक पंचम तल तक अपनी पूरी टीम के साथ हम एक एक फ्लोर को देख के, एक एक फ्लोर के रूम्स में पूरा दरवाज़ा खोल के, कोई किसी तरह का पैनिक ना हो, कोई पड़ा हुआ ना, उसको देख के हम लोग पूरा चेक करके तब इंश्योर किए कि कोई यहाँ पर नहीं है और ऑपरेशन ऑल क्लियर। आग लगने की वजह क्या बताई जाती है? आग लगने की देखिए संभावित जो प्रोबेबिलिटी है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जो क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, क्लासिक कंबस्टिबिलिटी है, संभवतः बेसमेंट से शुरू हुआ होगा।
लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आया, हमारे लड़कों ने, पूरी टीम ने, ऑफिसर्स ने, सभी के तरफ से बहुत अच्छे से कमेंडेबल एक काम किया है, और जेसीपी सर ने भी पूरा एक ब्रीफ किया है, और बड़े अच्छे से सभी लोगों की जान सभी के सहयोग से बचाई गई, दो बिल्लियां भी बचाई गई हैं। तो उसमें सबसे अच्छा ऑपरेशन अभी तक का, साल सवा साल का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया है आप सभी के सहयोग से, बहुत अच्छे से सभी की जान बचाई गई, सबके घर में सब सुरक्षित रहें, ये हमारा टास्क रहता है। ठीक है, रूपम चौराहे से थोड़ी दूरी पर एक चार मंजिला भवन है, इसमें आग लगी थी। आग के कारणों को अभी समझना बाकी है। यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए थे, हमारे पुलिस के लोगों ने, फायर सर्विस के लोगों ने उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया। चार लोग, एक पूरा परिवार फंसा हुआ था, अभी फ़िलहाल वहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरह से सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। आग पर भी नियंत्रण लगभग पा लिया गया है, लगभग 15 से 20 मिनट और इस ऑपरेशन में लगेंगे। धुआं है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम लोगों की अपील भी है कि थोड़ा और पीछे चले जाएं, जिससे ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो जाए। आग के फैलने की कोई संभावना नहीं है, और किसी भी तरह के कैजुअल्टी का कोई अब ऐसा सिम्टम या ऐसा कोई इनपुट नहीं है। नहीं, आग इस बिल्डिंग में लगी थी, बिल्डिंग के चार फ्लोर इससे अफेक्टेड हैं पार्शियली और फुली। कहां और कैसे इनिशिएट हुई, ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद सब्सिक्वेंटली किया जाएगा। देखिए, जितनी आवश्यकता है उतनी गाड़ियां यहां लगी हुई हैं, एक के बाद एक बैकअप पे गाड़ियाँ हैं। तो इनिशियली जो है, जैसे ही सूचना मिली थी, नियर बाई की चार गाड़ियाँ और नियर बाई के सभी थानों के फोर्स अप्रोच किए थे। बाद में सब्सिक्वेंट जो है हमने फील्डअप किया है, और कई गाड़ियां लाइंड अप हैं, और साथ में अगल बगल के फोर्सेस के अलावा लाइन से भी जो है फोर्सेस भेजी गई हैं। तो अभी हम रिसोर्सेस के बेसिस पे सफिशिएंट पोजीशन में हैं, लगभग हम कंट्रोल कर ले गए हैं, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो एक बार चीज़ें जो है समाप्त हो जाएँ, रेस्क्यू ऑपरेशन, तो हम इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे।